हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी स्वेदन लीगल चैनल। मैं हूं भोपरे सिंह सोनी। आज मैं आपको बताऊंगा पेटेंट का लीगल नोटिस कैसे आपको ड्राफ्ट करना है। देखिए, अगर आप लोग एक पेटेंट होल्डर हो, आपके पास पेटेंट है या पेटेंट एप्लीकेशन नंबर है, और सामने वाली पार्टी या कोई भी पर्सन आपके पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट करता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, तो आप उसको एडवांस लीगल नोटिस भेज सकते हो। अब ये लीगल नोटिस क्या होता है, कैसे भेजना है, मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखो, सबसे पहले नोटिस जब ड्राफ्ट करते हो ना, शुरुआत में जिस भी पर्सन को भेज रहे हो उसकी पूरी डिटेल आएगी। फिर साथ साथ अगर किसी कंपनी को भेज रहे हो तो डायरेक्टर्स के नेम भी आएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते समय सिर्फ कंपनी का नाम डाल देंगे, प्राइवेट लिमिटेड एक्सवाइज जेड जो भी है, वो नहीं आता है। पहले पर्सन का नाम आता है, उसकी पोजीशन क्या है, फिर किस कंपनी का वो डायरेक्टर है या जिस पोजीशन पर वो है, चेयरमैन है, किस पोजीशन पर है, सीईओ है वो, फिर कंपनी का फुल एड्रेस, फिर उसके बाद पार्टी बनती है। देखो, लोग क्या करेंगे, कंपनीज का नाम पहले लिख देंगे, नहीं, पहले डायरेक्टर का नेम आता है या फिर अथोराइज पर्सन का, क्या उसके मैनेजर ने आपका इन्फ्रिंजमेंट करा है, सीईओ ने करा है, किसने करा है। मेनली डायरेक्टर्स के नेम लीगल नोटिस में आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर उसके बाद पूरे डिटेल में कंपनी का नेम आता है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस आता है, और कंपनी का सिन नंबर है तो वो आएगा साथ में। फिर उसके बाद आपको डिटेल में पहले बताना है कि आपका पेटेंट क्या है, किस चीज़ के ऊपर है, कौन कौन से राइट्स आपके पास हैं। और देखो, जनरली अगर आप पेटेंट का लीगल नोटिस भेज रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि पेटेंट एप्लीकेशन नंबर आपके पास हो। जरूरी नहीं कि आप नोटिस में मेंशन करो, बट बताओ कि ये जो टेक्नोलॉजी मैंने इन्वेंट करी थी और मैं इतने समय से, इतने टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर आप सामने वाले को बताओ कि उसने क्या डिफॉल्ट करा है, गलती करी है, और क्या वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। आपको उनको डिटेल देनी पड़ेगी, कहानी की तरह। कहानी लिखते ना, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, लॉयर हो, या फिर एक पेटेंट होल्डर हो, नोटिस भेजना तो खुद भी भेज सकते हो, बस आपको डिटेल लिखना आनी चाहिए अच्छे से फॉर्मेटिंग में कि भैया मैं इसका होल्डर हूँ, आपने मेरे ऐसे पेटेंटेड वर्क का इन्फ्रिंजमेंट करा है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा शुरुआत से एंड तक। फिर एंड में आपको रेमेडी भी क्लेम करनी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, रेमेडी में आप तीन चीज़ मांग सकते हो। एक होता है लाइसेंसिंग फीस, दूसरा होता है इन्फ्रिंजमेंट रोकने के लिए कि भैया आप बंद करो अपने काम को, ये पेटेंट मेरा है, विदाउट माई परमिशन यू कांट यूज़ इट। फिर तीसरी चीज़ होती है डैमेजेस। अब कई लोग सोचते हैं कि नोटिस में हमें डैमेजेस मांगने चाहिए, नहीं मांगने चाहिए। आप मांग सकते हो, कहीं की कंपनियों के नोटिस आपने देखे होंगे एक एक करोड़ के डैमेजेस मांग लेते हैं, और कंपनियां नहीं भी मांगती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आ चुके हैं कि ड्यूरिंग ट्रायल बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअल डैमेजेस को फाइंड आउट करना, उनकी वैल्यूएशंस को देखना। तो आफ्टर ट्रायल हम डैमेजेस को देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डैमेजेस को मेंशन करो या ना करो, बट हाँ, आप उसके अंदर लिख सकते हो कि मेरे को अभी इतना नुकसान हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ माय इन्फॉर्मेशन। आप अपना पीएनएल शेयर करो, जीएसटी रिटर्न को शेयर करो, सेल्स को शेयर करो, आफ्टर दैट वी कैन टेल द एक्चुअल डैमेजेस। क्योंकि देखिए, आप जब किसी को नोटिस भेजते हो तो आपको ये पता है कि वो आपके पेटेंट ट्रेडमार्क का यूज़ कर रहा है, बट एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, वो जीएसटी रिटर्न से मालूम पड़ता है, पीएनएल से मालूम पड़ता है। तो वो आप सामने वाली पार्टी से मांग सकते हो, वो नहीं देता कोर्ट के थ्रू मांग सकते हो, तब जाके आप एक्चुअल डैमेजेस मालूम पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट था कि सर हम नोटिस भेजते हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का, कॉपीराइट का, पेटेंट का, तो इनमें एक्चुअल डैमेजेस में अमाउंट कितना लिखना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप नोटिस में भेजो, क्योंकि अभी भी आपके पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है सामने वाले की कि उसे किस हद तक इन्फ्रिंजमेंट करा है, कितना उससे रेवेन्यू करा है, कितना उससे पैसा बनाया है, कितना बैलेंस शीट में उसका पैसा है, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, और कितना मार्केट से उसका पैसा ड्यू है उसको लेना, और कितना वो पोटेंशियल फ्यूचर में कमा सकता है कि पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट को यूज़ करके। और देखिए, आप जब भी पेटेंट का नोटिस भेजो ना तो उसको वेल ड्राफ्टेड रखना। आपका पेटेंट क्या था और इन्फ्रिंजमेंट हुआ कैसे, ये नोटिस में बहुत क्लियर होना चाहिए, और आप क्या रेमेडी चाहते हो, ये तीन चीज़ें नोटिस के अंदर क्लियर होनी चाहिए। नहीं होंगी तो नोटिस अच्छे से ड्राफ्टेड नहीं माना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोर्ट में भी लेटर ऑन दिक्कत आती है, आपने नोटिस भेज दिया, ईमेल भेज दिया, वो आपका फर्स्ट कम्युनिकेशन हो गया, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब उसके बाद आप नोटिस को ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बट कोर्ट में जनरली स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट चलती है, जिसका एविडेंस आपको कोर्ट में देना पड़ता है। तो स्लिप संभाल के रखना कि स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, नहीं हुई तो कोर्ट में आपको दिक्कत आ सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ पेटेंट नोटिस के बारे में आपको आइडिया लगा होगा। अगर फिर भी डाउट है, क्वेश्चन है, हमारी वेबसाइट sonyswedan.in के ब्लॉग सेक्शन पर आप विजिट कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन मन में रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स में लिख के क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जैसे जैसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मेरे को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे दोनों आईडीज हैं। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अत्यंत सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।